अध्यक्षता की माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को गृह मंत्री भारत सरकार से दीनशांत समारोह के लिए अनुरोध करता हूं। विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी, विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार जी, हमारे दो गुरुजन भी यहां पर बैठे हुए हैं जिन्होंने कि एमएससी के दोनों वर्षों में मुझे फिजिक्स पढ़ाया था, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर रामबचल सिंह जी और आदरणीय प्रोफेसर एलन त्रिपाठी जी। और मैंने प्रोफेसर एलन त्रिपाठी जी के गाइडेंस में शोध कार्य भी प्रारंभ किया था। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सांसद श्री शरदजीत त्रिपाठी, गोरखपुर के विधायक श्री राधा मोहन दास जी अग्रवाल, यहां की महापौर श्रीमती सत्या पांडे, और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि कुलपति टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ओंकार सिंह जी भी यहां पर उपस्थित हैं, और साथ ही कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय डॉक्टर रजनीकांत जी पांडे, इस विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित गुरुजन, इस विद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, देवी एवं सज्जनों, मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, और जिस समय मुझे यह कहा गया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आपको भाग लेना है, मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी। मैंने यह महसूस किया कि सचमुच हमारे जीवन का वह अद्भुत क्षण होगा कि जिस विश्वविद्यालय में हमने शिक्षा ग्रहण की है, आज उसी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। आज संत रविदास की जयंती है, मैं संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस दीक्षांत समारोह का दीक्षांत भाषण मैं कहां से प्रारंभ करूं, मैं सचमुच अपने को असमंजस की स्थिति में पा रहा हूं। बैठे बैठे मैंने यही निर्णय किया कि मैं विश्वविद्यालय के नाम से ही अपना भाषण प्रारंभ करूंगा। दीनदयाल जी उपाध्याय और गोरखपुर, दीनदयाल जी उपाध्याय का जहां तक प्रश्न है, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि भारत की राजनीति को एक दार्शनिक अवधारणा देने का काम यदि किसी ने किया था तो उस महापुरुष का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मनुष्य के व्यक्तित्व का कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, समग्र विकास कैसे हो सकता है, इसके संबंध में जो उन्होंने सूत्र दिया है, विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा, उनका कहना था कि मनुष्य के व्यक्तित्व का एकांगी विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य केवल हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं है, मनुष्य तन मन बुद्धि और आत्मा, इन चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना हुआ है। तन का जहां तक प्रश्न है, हमारा यह हाथ है, पैर है, शरीर है, आंख है, नाक है, कान है, यह सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सभी उसके अंतर्गत आती हैं। उनका मानना था यदि मनुष्य के
केवल तन को ही हम सुख प्राप्त कराने के लिए साधन मुहैया कराते हैं, तो मनुष्य को जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, वह नहीं हो सकेगी। उनका मानना था कि तन का सुख तो मिलना ही चाहिए, मन का भी सुख मिलना चाहिए, और मन के सुख के अतिरिक्त बुद्धि का भी सुख मिलना चाहिए, और चौथी चीज जो आत्मा होती है, आत्मा का भी सुख जब तक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। 1984 में एक भाषण देने के पहले जब मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा था, तो मैं यह सोच रहा था कि दीनदयाल जी उपाध्याय की इस दार्शनिक अवधारणा को मैं सरल शब्दों में लोगों के समक्ष कैसे प्रस्तुत करूंगा, तो मैंने उसे इस रूप में प्रस्तुत किया था कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो हर तन के सुख के लिए धन धान मिल जाए, यानी पैसा मिले, आर्थिक दृष्टि से भी व्यक्ति को किसी प्रकार की तंगिश न हो, क्योंकि तन का सुख हमको कैसे प्राप्त होगा। रहने के लिए मकान होना चाहिए, चलने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए, यह सब सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। कैसे प्राप्त होगा? धन के द्वारा ही प्राप्त होगा ना, पैसा नहीं रहेगा कैसे हमारी यह सब सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन भले ही आपको हम पैसा दे दें, करोड़ों रुपए दे दें, लेकिन आपके लिए अब शब्दों का भी हम प्रयोग कर दें तो जिस सुख की आपको अनुभूति होनी चाहिए वह आपको नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, लेकिन आप बुद्धि से आप विकृत हैं, भले ही आपका मान सम्मान किया जा रहा हो लेकिन आपको यह अनुभूति न हो, जानकारी ही न हो कि हमारे साथ यह क्या हो रहा है, तो जो सुख प्राप्त होना चाहिए वह आपको प्राप्त नहीं होगा। तो उनका कहना था कि तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, चौथी चीज आत्मा। वेस्टर्न फिलोसफर्स पहले कहा करते थे आत्मा होती कहां है, न इसका कोई रूप है, न रंग है, न वजन है, आत्मा के एग्जिस्टेंस को आप कैसे स्वीकार करते हैं। हमारे पास ऐसे 20 उदाहरण हैं कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं कि अब पश्चिमी देशों के भी दर्शन शास्त्री इस हकीकत को स्वीकार करने लगे हैं कि मनुष्य के अंदर एक आत्मा भी होती है। और मैं यदि आत्मा के बारे में कहूं, कोई मां जिसका छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हो, 1.5 साल का हो, 10 दिन के लिए छोड़कर अकेले उसे घर में बाहर चली जाए, परिवार के सदस्यों के हवाले करके बाहर चली जाए, और 10 दिन के बाद जब वह मां घर लौटती है और वह घुटनों के बल चलने वाला नन्हा मुन्ना बच्चा अपनी मां को देखकर, जब घुटनों के बल चलते हुए मां 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 कहकर पुकारता है, और वह मां जब बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है, तो उस समय मां को तन का सुख नहीं होता है, मन का सुख नहीं होता है, बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मीय सुख कहते हैं। आत्मा का विस्तार करते चले जाइए, करते चलाइए चले जाइए अपने पुत्र तक। संबंध रखने में यदि आपको आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, तेरी आत्मा इसका विस्तार करते चले जाएंगे, समाज के साथ भी आप जुड़ जाएंगे, समाज के सुख में आपको आत्मिक सुख की अनुभूति होगी, जिस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं उसके सुख में आपको राष्ट्रीय आत्मीय सुख की अनुभूति होगी। और हमारे यहां तो ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्हें होल यूनिवर्स पूरी सृष्टि के साथ अपना आत्मिक रिश्ता अपनाया है। और हमारे यहां कहा भी गया है कि जब मनुष्य बहुत बुजुर्ग हो जाता है तो वह बराबर यही कहता है, हे परमात्मा ऐसा करना कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, अंतिम इच्छा यही रहती है उसकी, और परम सुख भी संभवतः इसी में उसे प्राप्त होता है। इसीलिए पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा
तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए, ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जो यह सब सारी चीजें उपलब्ध करा सकें। मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। जहां तक गोरखपुर नगर और गोरखपुर विश्वविद्यालय का सवाल है, गोरखपुर यह नाम कहां से आया है? हम आप सभी जानते हैं कि चाहे गोरखपुर शहर का नाम हो चाहे विश्वविद्यालय का नाम हो, गुरु गोरखनाथ जी से ही हम लोगों ने इस नाम को लिया है। गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने पहली बार नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई सारी विधाओं को और विद्याओं को योगों को एकत्रित करने का काम उन्होंने किया था। गुरु मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी, इन दोनों को तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महासिद्ध के रूप में मान्यता दी गई है। और इतना ही नहीं, ओशो ने जो लिखा है मरो योगी ए मरो, उन्होंने लिखा है कि इस हिंदुस्तान के जो सितारे जिन्हें मैं मानता हूं, उन सितारों में उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को भी रखा है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पातंजलि के बिना योग की कोई संभावना नहीं है, जैसे भगवान बुद्ध के बिना योग ध्यान की कोई संभावना नहीं है, भगवान कृष्ण के बिना प्रेम की कोई संभावना नहीं है, वैसे ही गुरु गोरखनाथ के बिना, उनकी विधियों और तकनीकों के बिना परम सत्य को प्राप्त करना भी संभव नहीं है। यह गोरखपुर की महत्ता गुरु गोरखनाथ जी के कारण है। और यहां का छात्र रहते हुए भी मैं समय समय पर गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन करने के लिए बराबर मंदिर जाता रहता था। और आज भी यदि मैं आया हूं, समय का अभाव है, लेकिन मैं वहां पर निश्चित रूप से गुरु गोरखनाथ जी का मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रिय छात्रों और छात्रों, भाषण को बहुत लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हमें अपने आदरणीय कुलाधिपति जी का भी भाषण सुनना है, लेकिन आज आपने डिग्री हासिल की है। स्वाभाविक रूप से आपकी ये इच्छा होगी कि हमने डिग्री हासिल कर ली है, हमें एक शानदार कैरियर हासिल होना चाहिए ताकि जीवन में हम कुछ कर सकें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अच्छी खासी डिग्री हासिल करके जीवन में शानदार कैरियर हासिल करना यही आपके जीवन का उद्देश्य है? क्या यहीं तक आप अपने को सीमित रखना चाहते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ विद्वानों ने निश्चित रूप से उस पुस्तक को पढ़ा होगा, विश्वविख्यात एक लेखक हैं जिनका नाम है टॉम फ्रीडमैन। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द वर्ल्ड इज फ्लैट। उस पुस्तक में उन्होंने एक आतंकवादी संगठन और साथ ही साथ इन्फोसिस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों की तुलना की है। इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा करके उन्होंने तुलना की है और उन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगने वाले अधिकांश यूथ हैं, नवयुवक हैं, और आतंकवादी गतिविधियों में भी जो लगे हुए हैं वह भी युवक हैं, यूथ हैं। उन्होंने कहा कि इन्फोसिस का और अलकायदा वगैरह इन संगठनों का देखा जाए तो इनका इमर्जेंस भी लगभग एक ही कालखंड में हुआ है। उन्होंने कहा है आतंकवादी संगठनों का भी नेतृत्व करने वाले कुछ लोग वह भी बड़े पढ़े लिखे हैं और इन्फोसिस में तो योग्य प्रतिभा संपन्न ऐसे हमारे नवयुवक काम कर ही रहे हैं, भारत का मस्तक सारी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस आतंकवादी संगठनों ने भी अपना ग्लोबल नेटवर्क बना रखा है, इन्फोसिस का भी ग्लोबल नेटवर्क है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर कहां है? दोनों में मौलिक अंतर यहां है, एक इन्फोसिस में काम करने वाला नौजवान हमारा क्रिएटिव टैलेंट का को सिंबलाइज करता है, क्रिएटिव सृजनात्मक प्रतिभा का प्रतीक है, तो आतंकवादी संगठनों में काम करने वाला वह युवक
डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी को सिंबलाइज करता है उसका प्रतीक है, विध्वंसात्मक क्षमता का वो है एक प्रतीक है। दोनों युगों में इस प्रकार का अंतर देखने को क्यों मिलता है? यदि यह अंतर आपको देखने को मिलता है तो मित्रों यह समझना चाहिए कि अंतर देखने को मिलता है तो यह सोच का अंतर है। यह सोच कहां से आती है? जिस समय हम शिक्षा शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं मैं समझता हूं कि सोच के अंतर का सिलसिला वहीं से प्रारंभ हो जाता है। सोच बंदी हमारी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। एक अकबर इलाहाबादी मशहूर शायर थे, वो कहा करते थे क्या कहें अहबाब कार्य नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। क्या यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जीवन का उद्देश्य यही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ ना कुछ करना है। शिक्षण संस्था में रहते हुए अपने गुरुजनों के माध्यम से आपने निश्चित रूप से कुछ संस्कार ग्रहण किए होंगे और मैं कह सकता हूं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है अधिकांश भाग उस संस्कारों का, यदि हमने कहीं से ग्रहण किया है तो शिक्षा संस्थाओं से ग्रहण किया है और अपने गुरुजनों से ग्रहण किया है। बिना संस्कारों के, बिना कुछ जीवन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हुए कोई व्यक्ति समाज को योगदान नहीं कर सकता है, हमारी एक निश्चित धारणा है। चरित्र का भी यदि निर्माण होता है तो चरित्र का निर्माण भी संस्कारों के माध्यम से ही होता है। बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव तथाकथित प्रगतिशील ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में चरित्र का क्यों बार बार चरित्र की बात करते हैं, आदमी को अपना काम करना चाहिए, अन्य चीजों से क्या लेना देना, अपनी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, इन सब सारी चीजों का क्या महत्व है? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं उनके बारे में। जब वो दुनिया के दूसरे देशों में गए थे, शिकागो गए थे, तो वहां के बहुत सारे लोगों ने उनकी वेशभूषा वह गेरुआ वस्त्र और सिर के ऊपर उस पगड़ी को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान जब अपने चेहरे पर बिखेरी तब स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारी वेशभूषा को देखकर ये लोग उस प्रकार की व्यंग्यात्मक मुस्कान कर रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा। चरित्र की क्या अहमियत होती है, और आपने देखा कि उनके भाषण के बाद सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद की जो मान्यता हो गई थी उस समय, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के जीवन में चरित्र का इतना बड़ा महत्व होता है। मैं एक साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, राम और रावण का। राम का जहां तक प्रश्न है, राम से धनवान भी थे, रावण राम से बलवान भी थे, रावण राम से ज्ञानवान भी थे, लेकिन पूजा राम की क्यों आप करते हैं? कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चरित्र में आगे थे, इसीलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा करते हैं। मनुष्य के जीवन में सारी चीजों से ऊपर यदि किसी चीज का भी महत्व है तो वह चरित्र का महत्व है। यह मैं अपने छात्रों और छात्राओं को मैं कहना चाहता हूं, बराबर चरित्र को लेकर हर छात्र और छात्रा को अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए, यह मैं उनसे मेरा आग्रह है। और साथ ही साथ अपनी रोजी रोटी चलाते हुए, अपना कारोबार करते हुए हम समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज को हम क्या क्या योगदान दे कर सकते हैं, हम अपने राष्ट्र अपने देश के लिए क्या योगदान कर सकते हैं, इस संबंध में भी हम लोगों को बराबर सोचते रहना चाहिए। जितना अधिकतम कर सकते हैं हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की सार्थकता तब तक नहीं है जब तक कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में अपना भी कुछ न कुछ योगदान न करें।
बिना उसके कुछ नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि सचमुच हम भारत के आजाद होने के बाद हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि भारत जो कभी विश्वगुरु के पद पर आसीन था, हम फिर से भारत को विश्वगुरु के पद पर आसीन करेंगे। यह संकल्प हम सबको लेना चाहिए। भारत को हम विश्वगुरु के पद पर आसीन करेंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोगों की जमात ऐसी है कि यदि आप उनसे सवाल करो कि भारत को आप क्या बनाना चाहते हो, बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं कहेंगे कि हम भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। कोई यह कहेगा कि हम भारत को विश्व की महान एक सैन्य शक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मुझसे यदि कोई पूछेगा, जितना मैं जानता हूं, इतना अपनी अल्प बुद्धि से मैं कहूंगा कि भारत को न तो मैं कोई ऐसी आर्थिक महाशक्ति नहीं बनाना चाहता, ऐसी सैन्य महाशक्ति नहीं बनाना चाहता, इतना बड़ा बलवान मैं नहीं बनाना चाहता कि सारी दुनिया भारत से डरे। हम दुनिया के लोगों के दिल में दहशत पैदा करके हम अपना स्थान ऊंचा नहीं करना चाहते। मुझे यदि भारत को यदि बनाना होगा तो भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहेंगे। ऐसा भारत जो धनवान भी हो, बलवान भी हो और ज्ञानवान भी हो, हम एक ऐसे महान भारत का निर्माण करना चाहेंगे। यह हमारी सोच है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए जो भी फंडामेंटल्स चाहिए, सारे के सारे फंडामेंटल्स भारत में विद्यमान है। सारे फंडामेंटल्स भारत में विद्यमान है। भारत की संस्कृति के बारे में मैं कह सकता हूं विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। विश्व के लोगों ने भी ज्ञान और विज्ञान के मामले में कुछ हासिल किया है तो भारत से ही हासिल किया है। मैं आर्थर शोपेनहावर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे उपनिषद जो हैं इनके बारे में कहा था कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, माने मनुष्य का जो सर्वोच्च मस्तिष्क, मैंने एक बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा यदि देखनी है तो भारत में जाकर देखो। यह जर्मन फिलॉसफर आर्थर शोपेनहावर ने कहा। भारत के पास क्या नहीं है? एक बार टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाषण करते हुए मैंने, क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साइंस के जानने वाले सारे वहां पर उपाधि प्राप्तकर्ता थे, उनके समक्ष मैंने उदाहरण दिया था। इसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी को भी मैंने पढ़ा। बहुत सारे हमारे छात्र ये समझते होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी ये हाइजेनबर्ग ने दी है, लेकिन डी फिक कोपरा हाइजेनबर्ग के एक मित्र थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है अनकॉमन विजडम। उस अनकॉमन विजडम पुस्तक में लिखा है उन्होंने, जब मैं अपने मित्र हाइजेनबर्ग से यह पूछा, यह बताओ यह प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी का बेसिक कंसेप्ट तुम्हें कहां से हासिल हुआ था, तो कोपरा ने लिखा है, हाइजेनबर्ग मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि जिस समय मैं रविंद्रनाथ टैगोर के साथ वेदांत पर चर्चा कर रहा था उस समय हमको इसका बेसिक कंसेप्ट हासिल हुआ है। भारत ज्ञान और विज्ञान के मामले में दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। संकल्प लेने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता भी कहीं की है तो भारत की है। मैं विज्ञान का छात्र हूं, आधारहीन तथ्यों के ऊपर नहीं बोल सकता। कार्ल सगन का नाम, बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और 71-72 की बात है। इसका पता लगाने के लिए कोडेड मैसेज उन्होंने पायनियर सैटेलाइट के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष में भेजा कि पता लगाया जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कहां की है, और यह भी पता लगाया जाए कि पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है। दुनिया की सारी सभ्यताएं यह मानती रही हैं कि पृथ्वी की आयु, कोई कहता था 10,000 वर्ष, कोई 20,000 वर्ष, कोई 25,000 वर्ष,
लेकिन हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपनी पुस्तक में लिख दिया था 1.96 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई, अस्तित्व में आई, कोई मानने को दुनिया तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कोडेड मैसेज भेजा एक पायनियर सेटेलाइट के माध्यम से, और कोडेड मैसेज को जब बाद में डीकोडिफाई करके जब पढ़ा गया तो हमारे ऋषियों और मनीषियों ने पूरे ब्रह्मांड को मस्तिष्क में परमिट करके जो लिख दिया वह हूबहू वही सच निकला। उन्हें भी स्वीकार करना पड़ा कि इस पृथ्वी का अस्तित्व लगभग 1.96 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई है। क्या समझते हैं आप भारत? इन सब सारी चीजों का मैं जानबूझकर आपको स्मरण करा रहा हूं। कार्ल सगन ने भी यह बात लिखी है, छोटी छोटी चीजें कहीं कुछ हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। सचमुच अंग्रेजों ने आकर एक सेल्फ सिस्टीम की भावना है, एक आत्म स्वाभिमान की भावना को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। लोग यह मानते हैं कि साहब वाह यह तो आया होगा, तो कहीं अंग्रेज कहीं इंग्लैंड से आया होगा, अमेरिका से आया होगा, फ्रांस से आया होगा। बहनों भाइयों यह कहीं से नहीं आया है, यह हमारे यहां के स्वामी श्रीधराचार्य जी ने इस द्विघाती समीकरण को दिया है, दुनिया ने हमसे स्वीकार किया है। उन्होंने श्रीधराचार्य बोधायन जी के बारे में तो अब कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों ने पाठ्य पुस्तकों में शामिल कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय, पाइथागोरस की दी हुई नहीं है, हमारे बोधायन ऋषि की दी। इन सब सारी चीजों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि भारत कितना उन्नत था, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव से इसको कंडम करने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने सभी छात्रों छात्राओं से निवेदन करना चाहता हूं, सीना ठोक कर आप बोल सकते हो कि भारत की संस्कृति विश्व की पुरातन संस्कृति है, और साथ ही भारत की संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। यह डंके की चोट पर हमें बोलना चाहिए। विद्वानों से संपर्क करोगे उसके सारे तथ्य तुम्हें उपलब्ध हो जाएंगे। हम फिर से वही भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते और होगा, मेरा पूरा पूरा विश्वास है। मैं एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। कुछ महीने पहले मैं चीन गया था, बड़ी आवभगत हुई। वहीं से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जिस समय चीन की क्रांति चल रही थी, चाइना का रिवोल्यूशन चल रहा था, उस समय वहां की पेकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर हुसी हुआ करते थे, जिन्होंने कि चाइना का प्रतिनिधित्व यूनाइटेड नेशंस में भी किया था। उस हुसी ने लिखा है, अपने हाथों से लिखा है कि इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। लिखा है उन्होंने कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से 2000 से अधिक वर्षों तक चाइना को नियंत्रित करता रहा है, चाइना को इंस्पायर करता रहा है, प्रेरित करता रहा है। यह चाइनीज रिवॉल्यूशन के समय के पेकिंग यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर मिस्टर हुसी थे उन्होंने लिखा। मैं जानबूझकर स्मरण करा रहा हूं क्योंकि मैंने विश्वगुरु की बात कही थी। आप लोगों को कहेंगे कि आपके पास इतना कहां से ज्ञान विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी आपके पास कहां है, कैसे भारत को आप विश्वगुरु बना लेंगे। जानबूझकर उल्लेख किया कि भारत को विश्वगुरु बनने के लिए जो भी फंडामेंटल्स चाहिए सारे के सारे फंडामेंटल्स भारत में विद्यमान है। ज्यादा बतलाने की आवश्यकता नहीं है, सब छोड़ दीजिए। फ्रांस की क्रांति में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, फ्रांकोइस वोल्टेयर, उनका नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था एवरीथिंग हैज कम, आई एम कन्विंस्ड एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम द बैंक ऑफ गंगेज। मैं पूरी तरह से मैं मानता हूं, जो स्वीकार करता हूं कि ज्ञान और विज्ञान के मामले में जो कुछ भी आया है वह गंगा के किनारे से आया है, यानी भारत से आया है। उन्होंने स्वयं मिस्टर वोल्टेयर ने इसे सच्चाई को स्वीकार किया। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सभी अपने प्रिय छात्रों और छात्राओं से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी
चरित्र निर्माण के प्रति विशेष रूप से सजग रहें, मनुष्य के जीवन में सर्वाधिक महत्व इसी का होता है, इसे छोड़ना मत। अभी आपके कुलपति महोदय ने देखा होगा कि आपको बहुत सारी दीक्षा दी है, यह शिक्षांत समारोह नहीं है, दीक्षांत समारोह है। दीक्षा, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से ज्ञान प्राप्त होता है, दीक्षा से संस्कार प्राप्त होता है। संस्कार के बिना जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। शिक्षा का संबंध जब संस्कारों से जुड़ जाता है, यही शिक्षा समाज के लिए कल्याणकारी बन जाती है, लेकिन शिक्षा का संबंध संस्कारों से टूट जाता है तो यही शिक्षा समाज के लिए विनाशकारी बन जाती है। मनुष्य के जीवन में संस्कारों का इतना बड़ा महत्व है, इस बात को हम सब ध्यान में रखें। अब चूंकि इस विश्वविद्यालय में का मैं छात्र रहा हूं, स्वाभाविक रूप से विश्वविद्यालय से जाने के बाद बहुत सारे यहां पर गुरुजन आए होंगे, बड़ी संख्या में छात्रों को उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी होगी, लेकिन मैं मानता हूं कि इस विश्वविद्यालय में आज भी पढ़ाने वाला जो गुरुजन है वह केवल आपके लिए ही गुरुजन नहीं है, बल्कि वह हमारे लिए भी गुरुजन है। मैं ऐसे सारे गुरुजनों के प्रति हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूं, और आप सब मेरे मुझसे जूनियर स्टूडेंट हो, और इस यूनिवर्सिटी का मैं सीनियर स्टूडेंट हूं, और सीनियर स्टूडेंट होने के नाते मुझे भी कुछ शुभकामनाएं देनी ही चाहिए, तो मैं तो शुभकामनाएं देता भी हूं, और साथ ही साथ सीनियर होने के नाते आप सभी छात्र और छात्राओं को अपनी तरफ से आशीर्वाद भी देता हूं। गुरुजनों का सम्मान अपने जीवन में मत करना, मैं बार बार आपसे आग्रह करना चाहता हूं। गुरुजन के कभी गुण और दोष नहीं देखे जाते, गुरुजन की तरफ जब देखो तो केवल गुण ही गुण दिखाई देने चाहिए, ऐसी अपनी दृष्टि होनी चाहिए। सचमुच मैं भाव विह्वल हो जाता हूं जब हमारे गुरुजन मुझे दिखाई देते हैं। आज हमारे आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी, मैं कितना स्नेह प्राप्त हुआ है, कितना प्यार प्राप्त हुआ है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर राम अचल सिंह जी, बहुत सारे ऐसे गुरुजन, जैसे लगता है कि आज भी चाहे पद कितना भी बड़ा क्यों न हो, इन लोगों का सानिध्य प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कोई न कोई मुझे संभालने वाला मिल गया है, आज भी मन के अंदर वही भाव रहता है। आज आपके कुलपति जी ने भले ही मेरी बहुत प्रशंसा कर दी हो, मैं जानता हूं कि यदि अतिथि के रूप में उन्होंने बुलाया है तो गाली तो देंगे नहीं, प्रशंसा ही करेंगे। बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों का भी उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन मैं अपने सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूंगा, ध्यान रखना जीवन में, शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर व्यक्ति जीवन में विभूषित नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित होता है तो शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं होता है, बल्कि वह अपनी कृतियों से विभूषित होता है, कृतियों से विभूषित होता है। आज मैं यदि बड़े पद पर बैठा हूं इस कारण मेरा कद बड़ा हो गया, इस रूप में मत देखना, हमारा कद हमारे पद के कारण नहीं आका जाना चाहिए, हमारा कद का मूल्यांकन यदि किया जाना चाहिए तो हमारी कृतियों के कारण हमारे कद का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पद के कारण किसी का कद बड़ा नहीं होता है, कद यदि बड़ा होता है तो कृतियों के कारण ही बड़ा होता है, यह सब सारी जिंदगी की हकीकत समझते हुए हमको अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और ईश्वर हर कदम पर आपको कामयाबी दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। माननीय कुलाधिपति श्री राम नाईक जी से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु कुलपति जी का अनुरोध। मैं माननीय कुलाधिपति से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं।